श्री गुरु नानक धाम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रसीला नगर स्थित धाम में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ के भोग उपरांत पंथ प्रसिद्ध रागी तथा ढाडी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर सरदार कमलजीत सिंह भाटिया, पार्षद सुशील रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। इस अवसर पर चेयरमैन बाबा जरनैल सिंह, प्रेसिडेंट चमनलाल, श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला के प्रधान मदनलाल खिंदर, चेयरमैन चौधरी परसराम, शशि भारत, सुरजन सिंह, हरजीत सिंह, पवन कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, गगनदीप, सुनील कुमार, राज भारत, राजेंद्र सिंह, करण यादव, अमृतपाल, यशपाल सहित अन्य संगत भी मौजूद थी। अंदरूनी भावना के नाल हर साल की तरह इस साल भी वो धरतल श्री गुरु नानक देव साहब जी के आगमन पुरब को समर्पित यह समागम करवाए हैं। मैं जिथे बहुत ही सत्कारयोग बाबा जरनैल सिंह जी का धन्यवाद करता कि वो जो कि गुरु नानक धाम सेवा सोसायटी हर साल ही गुरु महाराज के प्रगट दिवस से गुरु नानक देव जी के हर साल तो नौ करते हैं, जिस इस बाबा जरनैल सिंह जी और सारी ही कमेटी उन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र जी, प्रधान चमला जी, मुराद जी जिनका जिक्र किया है कि साढ़े तिलकरा जी हंस वो सैकटरी सन और कुदरती जो पहाड़ा मंजूर है कुदरत उस मुताबिक ही पंजाब राजे अपने प्रभु चरणों के असं अरदास करते हैं कि जिन्हें भी कार्यकर्ता हैं गुरु नानक धाम सेवा सोसायटी के बाबा जी ने इस तरह ही मेहर वाले हाथ रखना जो कि तेरे चरणों के नाल जुड़ के अपना बरमूला जीवन है वो अं सफल कर सकी। मैं देख रहा कि रागी जत्था बैठा है बहुत ही मनमोले शब्दों के नाल संत निहाल किया। मैं आई हुई सात संगत का कोटि कोटि धन्यवाद करता हाँ और सारे गुरु नानक देव प्रगट दिवस के उत्ते लख लख मुबारक देना।